हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी गार्ड द बिग गेम इट्स टाइम फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड ये गेम खेला जाएगा द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद याद रखिए कि पहली चीज आप सबको प्रिडिक्ट करना है कमेंट्स में कितने रन बनाएंगे आज विराट कोहली जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में एंड आज हम बात करेंगे इस गेम पर क्या लगता है क्या होंगे प्रिडिक्शन क्या होगा वेदर रिपोर्ट जीएल ऑप्शन प्लेयर वन एवरीथिंग तो एवरी आप स्टार्ट से एंड बिल्कुल देखिएगा पहले स्टार्ट करेंगे विन प्रोडिक्शन से ऑब्वियसली इंडिया लुकिंग लाइक वेरी फेवरेट टू विन दिस वन अगर आपका ओपिनियन कुछ अलग है तो जरूर कॉमेंट में बताना 60% एंड स्मॉल हम खेलेंगे माई का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो वहां से जाके जल्दी से जुड़ जाएगा एक्सचेंज टू के पिक्स हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं तो वो भी जरूर देखेगा एंड मिनिजुअल हम खेलेंगे अपने रेगुलर एप्स पे एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो पे जरूर जुड़ेगा आप वीडियो जो लिंक के डिस्क्रिप्शन है वहीं से आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम व्हाट्सएप सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो वहां से जरूर जुड़ेगा का, ट्राई करके सर्च से मत जुड़ेगा काफी सारे फेक चैनल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है एंड कोई भी पेड प्राइम वगैरह कुछ भी नहीं है ऑल्सो रिमेम्बर टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको आगे के सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आते रहे वेदर रिपोर्ट की बात करें तो क्लियर सनी वेदर फॉर द गेम एंड वो सनी वेदर से पिच पे क्या इफेक्ट होगा वो भी ज्यादा क्रूशल बात

इंकरेज हो जाएगी स्पिनर्स को वहां पे थोड़ा सा होल्ड बिल्कुल मिल सकता है बट हमने क्या देखा कि इन द चेज और भी आसान हो गई फॉर बैटिंग तो पिच रिपोर्ट काफी रहेगी बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ खास मैंने नहीं देखा था फॉर द पेसर्स एंड मेन जो था गेम में या तो वो था थोड़ा सा स्पिन या तो वो थी पूरी तरीके से बैटिंग तो यही वापस हम एक्सपेक्ट करेंगे इस गेम से एंड अब चलते हैं आगे की तरफ शुकमन गेल

इतना कुछ खास नहीं है स्पिन के लिए तो मे बी अश्विन को जगह वापस ना मिले एस ठाकुर का इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा हो सकता है पाकिस्तान की बात की जाए तो जो दोनों इंक्लूजन थे उनके हसन अली एट द बॉटम एंड अब्दुल्ला शफीक एट द टॉप दोनों ने बहुत अच्छा किया इन द लास्ट गेम तो काफी कम चांस है कि कोई भी चेंज हम देखेंगे पाकिस्तान के साइड से भी सो दीज आर द एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन एंड रिमेम्बर टू साइन अप ऑन बोथ दीज एप नो जीएसटी एप्स है माई मास्ट इलेवन पे एक बहुत बड़ा गिवर भी है इस मुकाबले के लिए पहले इंडिया की टीम की, उनके की। गेम में अच्छा एक अच्छी पारी में उन्हें थोड़ा समय लगा एंड थोड़ा सा ट्रिकीज था उनके लिए आई डोंट नो की पाकिस्तान के पेसिस के सामने स्टार्ट में कैसे करेंगे एशिया कप में इनकी एक अच्छी पारी आई थी अगेंस्ट पाकिस्तान स्पिनर्स बट तब वो मिडल ऑर्डर में आए थे इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि वो रिसेंट नॉक देख के कोई भी डिसीजन मत लेना उसके अलावा गिल ऑब्वियसली उनका खेलना अनलाइकली है बट ये अगर कोई बेटर ग्राउंड हो उनके कम का तो इससे कोई बेटर ग्राउंड नहीं होगा अहमदाबाद नहीं ही उन्हें वापस खेलना जरूर पसंदीदा यही है उनका ग्राउंड सो अगर खेलते हैं डेफिनेटली टीम में रहेंगे बट ऑब्वियसली टोटली कॉल बेस्ड ऑन उन क्या उनकी इंक्लूजन होती है इस लाइनअप में या नहीं रोहित शर्मा

ना कोई बोलर्स को हेल्प मिली अब यहाँ पे भी कुछ खास मूवमेंट नहीं होगी बोलर्स के लिए बट उतनी आसान ट्रैक नहीं होगी ना ही डायमेंशन उतने छोटे होंगे स्क्वायर तो ये दो बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा बिफोर पिकिंग रोहित शर्मा इन द साइड ऑब्वियसली बेस टीम में प्रॉब्लम फिर भी आपके लिए जगह ढूंढ ले बट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी विल बी ट्रिकी विराट कोहली ऑब्वियसली हमें याद है एशिया कप में वापस वो पारी जो इन्होंने खेली एंड आई थिंक काफी इम्पैक्टफुल आपकी टीम में जगह ढूंढेंगे पहले दो गेम्स में ही अपनी छाप उन्होंने इस वर्ल्ड कप पे छोड़ दी है उसके अलावा जो आपकी लीडरबोर्ड करेंटली लाइव है माई मास्टर लेवन पे जरूर वहां पर जुड़ेगा क्योंकि बहुत सारे टॉप प्राइजेस है आपको क्या करना है सिर्फ ग्रैंड लीग में पार्टिसिपेट करना है और आप एलिजिबल हो जाओगे इस लीडरबोर्ड के लिए एंड ये इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड ऑन मास्टर खेलेगा अब चलते हैं श्रेयस अयर की तरफ वायल ने बेटर बैटिंग कंडीशन पसंद है हमने देखा कि जो अफगानिस्तान वाला गेम था वहां उन्हें कुछ खास समय नहीं मिला आउट इन द मिडिल एंड जो पहला गेम था वो ऑस्ट्रेलिया वहां पे एरियल जाने गए एंड अपना विकेट दे गए तो totally तो ट्राई करूंगा देखी तो वो हिसाब से अगर इनका मौका आता है, तो ये अच्छा इम्पैक्ट बना के जा सकते हैं फिर चले के राहुल की तरफ आई थिंक काफी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस थी इनकी इन द फर्स्ट गेम एंड नो रीजन टू लीव एन आउट अगर आप किशन को लेने की सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि इनका मौका कम आएगा तो वही एक सिनेरियो है जहां आप इन्हें छोड़ सकते हो मैं तो पर्सनली इन्हें बिल्कुल पिक करूंगा कीपिंग वैल्यू भी आपको इनसे ही आएगी हार्दिक पांड्या आई थिंक मेरे लिए एक टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस इन दिस गेम एज मुझे लग रहा है स्पिन के कुछ ओवर्स कट सकते हैं अगर कोई पेसर का दिन खराब गया जैसे हमने देखा विद सिराज उनकी फॉर्म टोटली अप नहीं थी तो कौन होंगे सिक्स बोलर यही होंगे साथ साथ में मिडिल ऑर्डर में अगर किसी को रेस्क्यू करना है टीम को तो वो भी यही होंगे विद के राहुल एंड दी अदर्स इन द मिडिल तो आई थिंक इनका रोल काफी अच्छा हो सकता है इस मुकाबले में Hence, मेरे लिए एक टॉप चॉइस ये बन सकते हैं रविंद्र जडेजा ऑब्वियसली काफी एक्यूरेट बोलर है लाइन एंड लेंथ है बट कितनी हेल्प मिलेगी ट्रैक से वही एक क्रूशल चीज है तो डिसाइड करेगी कि क्या ये आपकी टीम में जगह ढूंढेंगे या नहीं अभी के लिए मेरे लिए एक फिफ्टी फिफ्टी कॉल है बेस्ड ऑन द टॉस इन पे कॉल लूंगा या क्या इन्हें टीम में पिक करना है या नहीं पिक करना है फिर चले अश्विन की तरफ आई डोंट थिंक खेलेंगे मुकाबला बट खेलेंगे तो जो टॉप में कुछ लेफ्टीज हैं एंड मिडिल ऑर्डर में एक आध लेफ्टी उनके सामने डाल सकते हैं फर्स्ट बॉलिंग में प्रॉब्लम नहीं लूंगा सेकंड बॉलिंग में अगर हमें लग रहा है कि एक अच्छा स्कोर डिफेंड करने को मिलेगा इंडिया को तो प्रॉब्लम उस केस में पिक किया जाए शार्दुल ठाकुर आई थिंक वेरी वैल्यूबल बट प्रॉब्लम क्या है कि काफी टाइम्स पे इराटिक रहते हैं एंड वही जो इराटिक बोलिंग है इनकी कभी कभी इनके फेवर में चल जाती है एज बैट्समैन इनके सामने शॉर्ट पे शॉर्ट खेलने को जाते हैं बट आई थिंक एक ठीक ठाक पिक है वापस एक कंडीशन पिक रहेंगे ये भी कुलदीप यादव डेफिनेटली मेरे टीम में रहेंगे चाहे फर्स्ट बोलिंग करें या सेकेंड एज इन्होंने आपा पकड़े पकड़े बैठा है इन्होंने एंड काफी फ्लाइट करते हैं बॉल को एग्रेसिवली डालते हैं तो विकेट्स लेने का मौका हमेशा रहता है इनके साथ हेंस टू टू रिस्की टू लीव आउट इन योर फैंटेसी साइड इटि ऑफ कंडीशन मोहम्मद सिराज इनका फॉर्म काफी खराब पहले दो गेम्स में कुछ खास नहीं कर पाए एंड लास्ट गेम में आई थिंक इनकी लाइन एंड लेंथ भी कुछ खास नहीं थी Probably अभी के लिए नहीं नहीं पिक Second bowling में तो definitely नहीं रहेंगे, team. First bowling, 50 -50 call रहे इन द एक रहेगा इनके भी अच्छे हैं, ज़्यादा खेले नहीं है पाकिस्तान के सामने जितना भी खेले हैं इन द ओडीआई फॉर्मेट लिमिट करके रखा है सामने वाले बैटर्स को एंड वो हिसाब से एक अच्छी पिक बिल्कुल बन के आएंगी ये इन दिस टीम अब बात करते हैं टीम पाकिस्तान की एंड उनके कौन से की प्लेयर्स होंगे इस मुकाबले तो पहली बात इमाम उल्ला की कुछ खास फॉर्म नहीं दिखाया इन्होंने विद द बैट ऑफ लेट एंड जो इनकी बड़ी नॉक्स भी आई छोटी टीम्स के सामने आई है एंड वो भी वर्ल्ड कप के पहले ही था तो आई डोंट थिंक कुछ खास फॉर्म में है करेंटलीस बहुत ही ज्यादा फ्लैट बैटिंग कंडीशन नहीं पिक करूंगा इन्हें अब्दुल्ला शफीक बहुत ही अच्छी पारी खेल के आ रहे हैं बट प्रॉब्लम क्या है कि ये भी पहली बार बुमराह के सामने आएंगे एंड आई डोंट थिंक कि अब तक अब तक एक बुमराह इन्हें लेकर जाने चाहिए जगह नहीं ढूंढेंगे है। प्लस हैदराबाद में कंडीशन काफी फ्लैट आउट थी एंड चेज में काफी बेहतर थी टोटली डिपेंड यह भी बात करेगी कि अगर ये सेकंड बैटिंग कर रहे हैं मे बी फिर भी उतनी कुछ खास हेल्प ना हो पर पेसेज सेकंड में अहमदाबाद में थोड़ी बहुत होती है सो टोटली डिपेंड ऑन दैट बट आई डोंट थिंक मेरी टीम में रहेंगे मे बी जीएल में तो मैंने बाबर आजम अभी के लिए यहाँ पे क्रॉस है क्योंकि मैं फेवर ये बात को कर रहा हूँ कि मैं प्रॉब्ली ज्यादा इंडियन बैटर्स के साथ जाऊंगा एज आई थिंक उनका रोल ज्यादा बन सकता है ऑन द कंडीशन एंड प्लस आई थिंक बाबर को काफी लिमिट किया गया बाय कुलदीप एंड बाय बुमरा हिस्टोरिकली इवन दो बुमराह के सामने आउट नहीं हुए बट काफी उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया है तो अभी के लिए उन्हें नहीं पिक करूंगा बट मे बी बेस्ड ऑन द टॉस अगर पहली बैटिंग कर रहे हैं तो बेस्ट टीम में जगह ढूंढ लें मोहम्मद रिजवान बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं आई थिंक आपको टीम में लेने लेकर जाना पड़ेगा इन्हें स्पेशली क्योंकि टॉप ऑर्डर इनकी काफी बार जल्दी विकेट गिर गए हैं तो ये आके आराम से खेल के जाते हैं प्लस आपको विकेट कीपिंग से भी वैल्यू जाते हैं हेंस नो पॉइंट टेकिंग अ चांस ऑन हिम सौद शकील आई थिंक काफी क्लास प्लेयर है इनको पहले भी मैंशन कर चुका हूँ पहली बैटिंग में कुछ टीम्स में इन्हें एंड इफ्तिकार दोनों को ट्राई कर सकते हो आप अगर आपको स्पेशली लग रहा है जल्दी विकेट गिर जाए बट ऑब्वियसली ग्रैंड लीग में होगा ये दोनों पिक्स बेस टीम के लिए काफी रिस्की बन के आ सकते हैं अगर ज्यादा मौका नहीं मिला तो वो हिसाब से टोटली वो वेस्ट लॉर्ड बन जाएंगे आपके लिए शदाब खान बोलिंग फर्स्ट, मैं इन पे चांस ले लूंगा वापस एज इनकी स्ट्राइक रेट भी बोलिंग फर्स्ट काफी खराब है एज ज्यादा एंड ज्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ते गेम पे सेकेंड बॉलिंग में टोटली उल्टा हो जाता है एज अगर प्रेशर चेज होती है तो ये पांच शॉर्ट बॉल डालते हैं एक पे विकेट ले जाते हैं तो इनकी यही स्ट्रेटेजी है ऐसा मैं कह पाऊं बट Obviously, without any disrespect, but एस, इस तरीके ही बोलिंग करते हैं तो ऐसा मैंने देखा है बाकी ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है की अच्छी पिक होंगे in first bowling, तो आप बिल्कुल उन्हें ट्राई कर सकते हो मोहम्मद नवाज काफी डिफेंसिव बोल रहे हैं बहुत एक्यूरेट है पर ऑन द स्टर्म डालते हैं विद भी काफी इफेक्टिव है ये सेकेंड बोलिंग में मैं कह सकता हूँ की इन प्लेस ऑफ नवाज आई थिंक इन प्लेस ऑफ शताब आई थिंक नवाज एक काफी बेहतर पिक है प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि नवाज इतनी अच्छी बोलिंग करते हैं टीम तो है? है, हो जाता है तो वापस 50 -50 बन जाते हैं हमारे लिए शाइन अफरीदी बहुत ही खराब रिसेंट फॉर्म आई डोंट थिंक कि कभी ऐसे स्ट्रीक में इन्हें इतना खराब देखते हुए डाला है मैंने आई थिंक कुछ भी इन्हें मूवमेंट नहीं मिली ट्रैक से साथ साथ में नाइन की लाइन एंड लेंथ ठीक है सो ये ऐसे टाइप के प्लेयर है कि कॉन्फिडेंस प्लेयर है जब इन्हें स्टार्टिंग में एक विकेट मिलता है तो ये आके एक दो और उड़ा जाते हैं बट अगर इनके पहले एक या दो ओवर खराब जाते हैं उन्हें मूवमेंट ना मिले तो फिर इनकी लाइन एंड एंड लेंथ फॉर अ अ टॉस दैट्स बिग कंसर्न सो अगेन शाइन अफरीदी पहले बोलिंग करते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम लेना पड़ेगा बट सेकेंड बोलिंग में आई एम नॉट इनक्लाइंस करेंटली टर्ड फिर बात करते हैं हसन अली की आई थिंक लास्ट गेम में काफी अच्छा डाला उन्होंने सम गुड बॉल सम बैड बॉल्स बट आई थिंक फर्स्ट बॉलिंग में अच्छी पिक है थोड़ा डेथ में भी डालेंगे सो डिस इफेक्टिव पिक एंड सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इनके साथ क्योंकि थर्ड पेसन है हो सकता है कि कभी कभार इनके ओवर्स कट हो जाए फिर आते हैं हैरिस रॉफ आई थिंक सबसे ज्यादा टीम ने दिखाया इन द दिखा डेथ वापस इनका रिसेंट फॉर्म खास नहीं रहा बट आके डालेंगे अगर ओवर तो फिर इनपे चांस लेके बिल्कुल भी पॉइंट नहीं बनता तो बिल्कुल मेरी टीम में रहेंगे फर्स्ट बोलिंग में सेकेंड बॉलिंग में विल बी अ कॉल बेस्ड ऑन द ट्रैक एंड बेस्ड ऑन द कंडीशन

सो आई थिंक ये बिल्कुल वापस इन प्ले आ सकता है एंड शुभमन गिल्डिस जेनली आते हैं आप शुभमन को सी वी सी बनाने की सोच रहे हो इफ इज बैक इन द गेम तो ये बिल्कुल फैक्टर इन करेगा इस मैचअप को तो ये हुई मैचअप की बात अब चलते हैं हमारी बेस्ट टीम तो बेस्ट टीम की बात की जाए स्टार्ट विदिंग सेक्शन टू वेरी ऑब्वियस चॉइस मोहम्मद रिजवान एंड के एल राहुल आप दोनों को नहीं छोड़ना चाहोगे बेस्ड ऑनटिंग कंडीशन एक जो इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है केएल राहुल का जो मुझे अभी याद आया वो है उनका रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अगर आपको याद है जो इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी वहां ये डबल डिजिट भी मुश्किल से क्रॉस कर पाए थे सो ये चीज वापस इन होगी कि नहीं ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हो सकती है इन द बैटिंग सेक्शन विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को नहीं छोड़ना चाहोगे आई विल गो विथ वन बिटवीन श्रेय सैयर एंड शुभमन गिल अब अगर गिल खेलते हैं तो डेफिनेटली उनके साथ जाऊंगा नहीं खेलते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे श्रेयसर अभी के लिए एज्यूम कर रहा हूँ कि गिल खेलेंगे हार्दिक पांड्या डेफिनेटली इन द साइड रविंद्र जडेजा और शादाब खान वन ऑफ द टू टूवर बोल द बोलिंग सेक्शन जसप्रीत बुमराह हैरिस रॉफ कुलदीप यादव इन बोथ बोध एंड हसन अली अगर पहले बोलिंग करते हैं तो अभी के लिए हैरिस रॉफ को पिक कर रहा हूँ यहाँ से एंड आई एम गोइंग विद रविंद्र जडेजा एंड शादाब खान इन दिस सेक्शन अब आप किन्हीं छोड़ोगे वन बिटवीन रविंद्र जडेजा एंड शादाब खान जो भी फर्स्ट बोलिंग करते हैं एंड उनके प्लेस पे आप लेके जाओगे जो भी पहली जो भी टीम पहले बोलिंग कर रही है उनके पेसर को या तो सिराज या तो शाहीन अफरीदी और वन बिटवीन शाहीन अफरीदी और हसन अली सो दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द टीम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए सो आई एम स्लाइटली इनकरेज टूवर्ड्स हार्दिक क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स में वैल्यू देंगे एंड मुझे नहीं लग रहा कि एक बार नाइन विकेट विन होपफुल हो तो बहुत ही अच्छा होगा बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम्पेटेटिव गेम यहाँ पे देखने को मिल सकता है तो वो हिसाब से हार्दिक एज कैप्टन एंड विराट एज वाइस कैप्टन विल बी माई चॉइसिस रोहित भी एक बहुत अच्छी चॉइस है बेस्ड ऑन जो रिसेंट फॉर्म है उनका ये दिख रही है मेरी अभी तक की टीम अब चलते हैं आज के ग्रैंड लीग ऑप्शन की तरफ तो ग्रैंड लीग कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन लो सिलेक्ट डार्क हॉर्स पिक्स सब कुछ डिस्कस करेंगे अब लो सिलेक्ट डार्क हॉर्स पिक्स हॉस्पिकॉर्ड जकील इफ्तिकार अहमद जो भी पहले बैटिंग करते हैं आई थिंक ये दोनों काफी इंटरेस्टिंग पिक्स हो सकते हैं बैटिंग फर्स्ट एंड एंड ऑल्सो श्रेयस टू द सेम लिस्ट कुलदीप यादव मुझे पता नहीं कि लो सिलेक्ट क्यों है ये मेरे हिसाब से तो काफी इम्पैक्ट बन सकता है इनका इस मुकाबले में स्पेशली जो मैचअप्स भी हैं पाकिस्तान के सामने प्लस जो स्टाइल की बोलिंग है इनकी ज्यादा समय विकेटलेस जाते नहीं तो ये काफी इफेक्टिव पिक्स हो सकते हैं हाई सिलेक्ट जॉप्रेस बॉम रविंद्र जडेजा शदाब जो भी पहले बोलिंग करते हैं कोई और पिक होगी तो मैं बता दूंगा आपको ऑन टेलीग्राम ग्रैंड लीग कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बैटिंग फर्स्ट बोलिंग सेकेंड कुलदीप एंड बाबर बैटिंग सेकेंड बोलिंग फर्स्ट बुमरा एंड हैरिस

when batting first and bowling second at 50 when we look at the indian side of things i think shreya sayer jaise maine kaha pehle batting karte hain to kafi tempting pick hai is section mein bhi ravindra jadeja batting first and bowling second and uske alawa kuldeep yadav specially second so these are my exchange point picks for today I hope एक बहुत अच्छा game हम सभी को देखने को मिले and obviously India should win the game. यही हम सबकी आशा होगी उसके अलावा रिमेम्बर टू ज्वाइन एस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम कोई भी और फाइनल टीम्स अपडेट्स कुछ भी होगा आपको सब वहीं कुछ मिलेगा एंड लिंक्स है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिमेम्बर टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड हिट द बेल आइकन जल्दी मिलेंगे एक और प्रिव्यू के लिए थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट